हाय गाइस, तो आज हम आपके लिए चार इम्पोर्टेंट जॉब अपडेट लेके आ गए हैं और ये चारों ऑफ कैंपस है और बहुत अच्छी जॉब अपडेट है। पहली ओरेकल की तरफ से आ रही है, दूसरी आ रही है MKCL 2022 वालों के लिए, दैट इज 2022 बैच पास आउट वालों के लिए। MKCL है क्या भाई साहब? तो MKCL कुछ नहीं है, महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, चलेंगे इसके आगे डिस्कस करेंगे कि रोल क्या होने वाला है, प्रोजेक्ट ट्रेनिंग एंड ऑल। तीसरी कंपनी आपकी आती है भाई फेनॉइड। ठीक है, फेनॉइड कहाँ की है? नोएडा की कंपनी, 25 ओपनिंग और बड़े आसानी से 4.25 लाख का पैकेज है, कुछ ज्यादा कठिन काम नहीं होने वाला है। और चौथी ओपनिंग आ रही है माई एनाटॉमी पे, फुल स्टैक इंजीनियर की। तो चलते हैं एक एक को अच्छे से डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि आप कैसे क्या अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सो पहली जो अपडेट आ रही थी दैट इज MKCL की तरफ से, रोल क्या होने वाला था भाई यहाँ पे? प्रोजेक्ट ट्रेनिंग के होने वाला था। ठीक है, और MKCL है क्या? महाराज नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं यहाँ से कि कौन से बी बीटेक एंड कौन कौन से एलिजिबल हैं। 2022 बैच वाले एलिजिबल हैं, दैट इज 2022 बैच वाले। और आप अप्लाई कहाँ से कर सकते हैं भाई? ठीक है, तो आपको ये अप्लाई लिंक डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से आके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ये देख लीजिए कि रिजल्ट कब डिक्लेयर होने वाला है, 25 जुलाई को। और ये सारे प्रोसेस है, आप इसको पढ़ लीजिएगा कि इंटरव्यू होगा, पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने वाला है, दैट विल कंसिस्ट ऑफ एन एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम स्किल होगा, जहां पे 30 MCQ होने वाले हैं। उसके बाद आपका टेक्निकल स्किल नापा जाएगा, उसमें भी MCQ बेस्ड ही होगा, तो कुछ डरने की बात नहीं है। और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, 100 पोस्ट है और बड़े आराम से हो जाना चाहिए, तो आप देख लीजिएगा। प्रोजेक्ट ट्रेनी का रोल है, नेक्स्ट जॉब अपडेट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम ओरेकल। ये बहुत अच्छी जॉब अपडेट है और यहाँ पे रोल क्या होने वाला है आपका? सॉफ्टवेयर डेवलपर वन का होने वाला है। ठीक है, SDE 1 का आपको रोल मिलेगा। अप्लाई नाउ, यहाँ से आप आगे डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। ये लिंक भी आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आके यहाँ इसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे आएंगे, जॉब डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं, दैट इज डिजाइन डेवलपमेंट एंड ट्रबल शूट एंड डीबग द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ये सारी चीजें हैं, ये आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, रीड आउट हो लीजिएगा, इसे गो थ्रू हो लीजिएगा और अप्लाई आप यहां से आके डायरेक्टली कर सकते हैं इनके प्लेटफॉर्म ओरेकल के। ठीक है, नेक्स्ट जॉब अपडेट दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम मैच माई एनाटॉमी। ठीक है, ये खुद ही हायर कर रहे हैं और ये फुल स्टैक डेवलपर रोल के लिए हायर कर रहे हैं। लोकेशन क्या होगी भाई? बैंगलोर रहने वाली। आप यहां से आके अप्लाई कर सकते हैं, ये लिंक भी आपको डायरेक्टली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सैलरी क्या होने वाली भाई? 5 से 7 लाख के बीच में होगी। ठीक है, और ये वर्क फ्रॉम ऑफिस जॉब होने वाली है और लोकेशन आपको बैंगलोर ही मिलेगा भाई साहब। ठीक है, एलिजिबिलिटी एक बार आप चेक कर सकते हैं, तो 18, 19, 20, 21, 22 सारे बैच वाले एलिजिबल हैं। 70% से ऊपर होना चाहिए आपका थ्रू आउट, मतलब 10वीं 12वीं और ग्रेजुएशन में, मतलब बीटेक में भी। तो 70% ध्यान रखिएगा, जिसका भी 70% से ऊपर है वो एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। प्रोसेस क्या होगा? रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर असेसमेंट होगा, उसके बाद TRNHR राउंड वही होने वाला है। ठीक है, उसके बाद आते हैं अपनी आखिरी जॉब डेट की तरफ, जो कि फिनॉइड की तरफ से आ रही है। ठीक है, जॉब लोकेशन भाई साहब नोएडा होगी और कितनी जॉब ओपनिंग है? 25 जॉब ओपनिंग है। कंपनसेशन 4.2 लाख का होने वाला है। बी बीटेक वाले एलिजिबल हैं, बट यहाँ पे भी उन्होंने बोला है भाई साहब 70% थ्रू आउट होना चाहिए, मतलब 10th 12th एंड ग्रेजुएशन बी बीटेक में। तो ये ध्यान दीजिएगा, और ये रिक्रूटमेंट भी 2022 बैच वालों के लिए ही है, तो आप डायरेक्टली आके यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं फिनॉइड पे। ठीक है, फिनॉइड है क्या? तो जरा एक बार इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि एक US एंड इंडिया बेस्ड बिजनेस IT प्रोवाइडिंग कंपनी है। और इसके बारे में ये जॉब डिस्क्रिप्शन देख लीजिएगा कि क्या जॉब डिस्क्रिप्शन होने वाला है, क्या कैंडिडेट प्रोफाइल होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिएगा, ट्रेनिंग पीरियड कैसे होने वाला है, आपका रोल सॉफ्टवेयर इंजीनियर का होगा एंड समथिंग लाइक दैट, सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड है इसमें, तो ये देख लीजिएगा। आप यहाँ से आके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और कहीं ना कहीं हेल्प की होगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।